दोस्तों मेरे पास सामने एक डायबिटीज के पेशेंट बैठे हैं जिनकी उम्र है 35 साल। पिछले 2 साल से इंसुलिन लगातार चल रहा है उनका, प्लस कई सारे गोली भी खा रहे हैं, फिर भी खाली पेट 200 नीचे नहीं आता है और खाने के बाद 300 नीचे नहीं आता है, जबकि खाना पूछने पर मुश्किल से वो 2 रोटी सुबह, 3 दोपहर, 3 रात खाते हैं। डेली कम से कम 1 घंटा जॉगिंग करते हैं, इंसुलिन लगाने में कोई गलती नहीं कर रहे, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। तो जब डिटेल बात किया मैंने, तो मैंने पता चला कि वो 2 लीटर दूध भैंस का फुल क्रीम रोज पीते हैं। तो अब सब जान लो, करीब 200 ml भैंस का दूध से उतना शुगर बढ़ेगा जितना 25 ग्राम आटे की एक रोटी से, क्योंकि 200 ml भैंस के दूध में करीब 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। करीब कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के फॉर्म में होता है, प्लस प्रोटीन 8 to 9 ग्राम होता है, प्लस फैट होता है। दूध का ग्लाइसिमिक इंडेक्स जरूर कम होता है, ग्लाइसिमिक इंडेक्स करीब 35-40 होता है, बट डेली जब आप फैटी फूड खाओगे, प्रोटीन सब जब डेली खाओगे, तो ओवरऑल शुगर बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर आप ये क्या करते हैं कि पहले इसे सुनते कितना दूध पीते, कब पीते हैं, जरा इसे बताइए सर, कब कितना दूध पीते हो आप? जैसे सुबह रनिंग के करके आता हूँ, उसके बाद में मैं आधा लीटर करीब दूध पी लेता हूँ। उसके 2-3 घंटे बाद में मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। फिर क्या नाम है, दिन में मैं रोटी वगैरह खा लेता हूँ, 2-3 रोटी खाता हूँ। उसके बाद में जब मेरे को भूख लगती है तो शायद 2:30-3 बजे मेरे को फिर भूख लग जाती है। उसके बाद मैं फिर दूध, एक आधा लीटर दूध और बिस्किट खा लेता हूँ। और खाना खाता हूँ तो मैंने एक आधा लीटर करीब लस्सी भी ले लेता हूँ और 2 कटोरी दही भी ले लेता हूँ। और शाम को भी यही प्रोसीजर है, शाम को भी मैं दही भी खाता हूँ और रात में सोने से पहले मैं दूध पीता हूँ आधा लीटर। कंजम्पशन है करीब मोर देन 2 लीटर ज़्यादा दूध पी रहे हो वहाँ पे। और जहाँ मैंने बोला कि 200 ml दूध करीब 1 रोटी बार शुगर बढ़ाएगी, तो इस तरह से आपको 10 रोटी इक्विवेलेंट करीब इसी से बढ़ गया। प्लस आप रोटी भी खाते हैं, प्लस आप बिस्किट भी खाते रहते हैं, घी भी खा लेते हैं, तो आपको कैलोरी की इंटेक कुल मोर देन 4,000 कैलोरी खा रहे हो वहाँ पे, और इंसुलिन को 30 यूनिट लगा रहे हो, क्योंकि जो भी खा रहे हो शुगर हाई है। इसलिए बॉडी को भाई आगे फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में इनफ इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन नहीं बनाया गया था, 20 रोटी खा लो तो अब वो सब पेशाब से बाहर निकल जाएगा। हाँ, शुगर प्रोटीन दोनों आता है आपका, तो आप सब समझ लें। आप दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नॉर्मली पर डे अलाउड मिल्क होता है 2 ग्लास दूध, अराउंड 500 ml। बेस्ट है कि आप डबल टोन दूध या स्किम मिल्क लें, और आप पतले हैं, दुबले पतले हैं, तो आप टोन दूध भी ले सकते हैं। फुल क्रीम डायबिटीज वालों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फुल क्रीम में क्या होता है कि सेचुरेटेड फैट होता है। मैं दिखाऊँ आपको, और चार्ट दिखाऊँ आपको, तो भैंस के 100 ml में करीब 7 ग्राम फैट होता है और 4 ग्राम प्रोटीन होता है और करीब 5.2 ग्राम लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप 2 लीटर दूध पी लिए, रोज पी लिए, तो आप गुणा कर लो 7 ग्राम × 20, तो 140 ग्राम तो सेचुरल फैट खा रहे हो, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो डायबिटीज मरीजों को कोशिश करना चाहिए कि फुल क्रीम दूध ना पिए, क्योंकि फुल क्रीम का जो सेचुरेटेड फैट मक्खन होता है ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल घटाता है जो हार्ट के लिए खतरनाक होता है। तो डायबिटीज मरीजों को बेटर होता है कि डबल टोन दूध या स्किम मिल्क आधा लीटर डेली लें। और कभी आप ज़्यादा दूध पिए आप, तो आपको 1 रोटी कम करनी पड़ेगी। आपकी उम्र के लिए आपको अराउंड 2200 कैलोरी डेली देनी पड़ेगी, जिसमें आपको 2 रोटी सुबह, 3 दोपहर, 3 रात को, 2 रोज डेली फल, 2 गिलास दिन भर दूध लेना आपको मलाई उतार के। इसके बाद अंडे खाओ आप, ये लौटा के आप पनीर चीज खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, मूंगफली दाने खाओ। मेरा वीडियो देखना है, 2200 कैलोरी का डायबिटिक वीडियो देख लेना, उसको डाइट का वीडियो है। तो एक तो आपको हम डाइट में क्या करेंगे कि आप बैलेंस करना पड़ेगा आपको, हर बार सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, इंसुलिन मात्रा थोड़ी बढ़ाएंगे आपकी हम,
कुछ टैबलेट चेंज किया आपको, अपने मिल्क का इनटेक कम करो। इसीलिए वो हो रहा है, हाँ तो कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो रही है और इस तरह से आपको शुगर। तो इस वीडियो से लेसन क्या है कि मिल्क जरूरी है पर सही मात्रा में, अति हर चीज़ नुकसान करती है। आप मिल्क प्रोडक्ट कम करो, शुगर आपको नॉर्मल आएगी। क्यों आप मिल्क जितना ले रहे हो उतना इंसुलिन लगा रहे हो, इंसुलिन टोटल 30 लगा रहे हो, इससे शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। हाँ तो आई होप इसे नॉलेज मिली कैसे क्या लेना आपको। धन्यवाद।